गुजरात में जहरीली शराब पीने से 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद गुजरात में शराब कांड पर सियासत तेज हो गई। इसके चलते प्रशासनिक हलचल बढ़ी है। पुलिस देसी शराब बनाने के संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। शराब के अड्डों का पता लगाने के लिए पुलिस ने ड्रोन का इस्तेमाल किया है। इस तौर पर टेक्नोलॉजी का यूज़ पिछले 4 दिन से सूरत ग्राम्य जिला पुलिस कर रही है, जिसमें ड्रोन का हम इंटेंसिव यूज़ कर रहे हैं। तापी नदी के किनारे और अन्य नदियां और जो भी जहां जहां पानी है वहां इस जहां डिफ़िकल्ट है जाना पुलिस के लिए, और अगर जाना भी है तो बहुत बड़ी मात्रा में फोर्स को लेकर जाना पड़ेगा, तो वैसे एरिया का सर्च ऑपरेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से पुलिस द्वारा किया जा रहा है। और पिछले 4 दिन में 20 से ज़्यादा ऐसे लोकेशंस पे 40 से ज़्यादा ऐसी जो भट्टियाँ थी उसको डिस्ट्रॉय पुलिस के द्वारा की गई हैं। 8 से ज़्यादा लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं और बाकी 12 लोगों को अरेस्ट करना बाकी है, उनको भी बहुत जल्द अरेस्ट कर लिया जाएगा। बीते 4 दिनों में ड्रोन तकनीक की मदद से पुलिस ने 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है और 40 से ज्यादा शराब बनाने के अवैध संयंत्रों को नष्ट किया है। 8 लोग अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें, गुजरात में सरकारी तौर पर शराब खरीदने और बेचने पर बैन लगा है। इसके बाद भी लोग यहाँ बड़ी मात्रा में कच्ची शराब बनाते हैं और लोग खरीद कर पीते हैं। इसमें कई बार केमिकल की मात्रा ज्यादा होने पर लोगों की जान चली जाती है।